जब भी हम कहीं जाने का इरादा करते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो हमें ऑप्शन मिलता है भाई ट्रेन से सफ़र करें या फ्लाइट से करें या बस से करें या फिर कार से करें। तो कभी कभी जैसे दूर जाना होता है तो हम ज़्यादातर ट्रेन चूज़ करते हैं। तो हम जब ट्रेन चूज़ करते हैं तो हमें टिकट मिलती है या तो स्टेशन पे या फिर किसी ऑनलाइन शॉप पे जाकर के हमें टिकट बनवानी पड़ती है। अगर हम खुद से टिकट बनाना चाहते तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें IRCTC पे आना पड़ेगा, उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद टिकट बुक करना पड़ेगा। तो अब आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम IRCTC में अपना अकाउंट बना सकते हैं, उसके बाद उसमें टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। 1 सेकंड लगेगा, आप वीडियो को लाइक कर दें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है IRCTC, उसके बाद यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देना है, सिंपली इसे इंस्टॉल होने के बाद ओपन कर देना है। ओपन होने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा लॉगिन करने का, तो यहाँ पे लॉगिन करने के ऑप्शन पे देखें, राइट कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन है, हमें लॉगिन करने के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे देखें आप चेंज या रजिस्टर्ड यूज़र, ठीक है, तो रजिस्टर यूज़र पे हमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आएगा रजिस्टर यूज़र, ठीक है, फिर से यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे ऊपर डालने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा, यूज़र नेम डालने का ऑप्शन आएगा। यूज़र नेम एक बार में नहीं लेगा तो दोबारा डालिएगा और पासवर्ड डालिएगा इस टाइप का। सबसे पहले आपको जैसे बड़ा अक्षर रखना है, जैसे ए, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखा दे रहे हैं आपको, उसके बाद ये 4 बार ए या फिर कुछ भी जो आपका नाम हो। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं नंबर्स डाल देना है, 1, 2, 3 एग्जाम्पल के तौर पे। स्पेशल करेक्टर नहीं लेता, हम बीच में सोच रहे थे कि जैसे डॉट वगैरह डाल दे या फिर एट द रेट डाल दे, स्टार डाल दे, ये सारी चीज़ें नहीं लेगा। उसी तरीके सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, कन्फर्म पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नेम है वो नाम डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम डाल देना, मिडिल नेम वगैरह लास्ट नेम जो है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन आएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मेल फीमेल या जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी क्या आपका वो भी इंडिया टू चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखें सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखें व्हाट इज़ योर पेट नेम, ये चूज़ कर सकते हैं, या फर्स्ट स्कूल नेम ये भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका चिल्ड्रन नेम क्या है वो चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपका नाम हो वो डाल दें आप, चिल्ड्रन नेम या जो भी चूज़ करें वो आंसर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन ऑप्शनल है, यहाँ पर ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं, नहीं भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा और मोबाइल नंबर पे दोनों डालेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड आपको पता हो जाएगा, जो यूज़र नेम में नाम रखेंगे, जैसे एग्जाम्पल 1, 2 ASDFG, ये समझ लीजिए यूज़र आईडी इस टाइप का बन सकता है आपका, ठीक है, इस टाइप का आपको बना लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमें डायरेक्ट लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, तो लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं, इस टाइप का आप लॉगिन कर देख सकते हैं, इस टाइप का लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, जो भी आप पासवर्ड रखेंगे इस टाइप का पासवर्ड आप डालें, ऊपर यूज़र नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कैप्चा दिया जाएगा, जैसे दिया हुआ A3K कैपिटल स्मॉल U है, ठीक है, तो ये लॉगिन कर लेंगे हम। लॉगिन करने के बाद हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे एक से अलग अलग फीचर हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा, जब जब आप लॉगिन करेंगे एक बार, तो लॉगिन होने के बाद खाली पिन मांगेगा, उससे दिक्कत नहीं, ठीक है। जिससे एग्जाम्पल तौर पर कुछ भी हम पिन रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सबमिट कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा सबमिट हो जाएगा, तो हमारी एक आईडी बन गई है, ठीक है। इस टाइप का हम किसी आईडी बना करके उसके बाद ट्रेन बुक कर सकते हैं, जैसे कहीं से भी आपको कहाँ कहीं जाना है, जैसे हावड़ा से मधुपुर जाना है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कल जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट किए, तारीख सिलेक्ट किए, स्टार्टिंग से जान ले, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे आपको हावड़ा या फिर जो भी आपका स्टेशन है वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जहाँ तक जाना है वो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है, जैसे धनबाद जाना है, रांची जाना है, लखनऊ जाना है, जो भी जाना है, अगर यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिख रहा हो तो चूज़ कर लेना है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जनरल का ऑप्शन आएगा, जनरल ही रहने देना है, अगर आपको तत्काल वगैरह बनाना था वो अलग ऑप्शन है, वो बताया जाएगा बाद में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, 10 दिन बाद, कल या परसों, जब भी आप बनाना चाहें तब आप यहाँ पे डेट चूज़ करेंगे, जैसे कल के बारे में चूज़ कर लेते, कल तो खाली नहीं होगा तो हम डायरेक्टली तत्काल ऐसे चूज़ कर ले रहे, ठीक है, आपको सिंपली दिखाने के लिए। यहाँ पर आप सर्च ट्रेन के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं
विभूति एक्सप्रेस, अलग अलग एक्सप्रेस वगैरह जो भी है यहाँ पे सर्च करेंगे, कुछ कुछ ट्रेनों में खाली है, कुछ कुछ में खाली नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे ये खाली है, ठीक है, ये खाली है, इस पर हम क्लिक करेंगे, जहाँ पे खाली दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आप चाहे तो पहले मास्टर लिस्ट में नाम लिख करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अलग से यहाँ पे भरने का ऑप्शन आएगा फॉर्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ऐड न्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, नाम जो भी है वो डालना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा नाम है, उसके बाद जो भी है क्या कहते हैं ये एज है वो डाल देना है। उसके बाद मेल फीमेल जो भी वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद बर्थ को चूज़ कर लेना है, लोअर लोअर में आपको जाना है या फिर मिडिल में जाना है, अपर में जाना है, जो भी है वो चूज़ कर लेना है। ठीक है, हम लोअर चूज़ कर लिए। उसके बाद नीचे क्या कहते हैं क्लिक कर लेना है ऐड का ऑप्शन पे। उसके बाद और किसी पैसेंजर आपके साथ कोई भी साथ में जाना चाहता है तो ऐड न्यू न्यू का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका टिकट कंफर्म हो तभी बुक हो, कभी कभी ऐसा होता है कि जब बुक करते हैं तत्काल तो टिकट ख़त्म हो जाती है और वेटिंग में चल जाती है, तो बुक हो जाती है तो हमारा वेटिंग में वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि कंफर्म बुक हो तभी हमारा बुक हो, अगर अदरवाइज वेटिंग में जाए तो बुक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है, बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर एलोकेट। ठीक है, तो ये चूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या चीज़ से पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह, नेट बैंकिंग, वॉलेट वगैरह, तो उसमें चार्ज कटेगा 5 रुपये। अगर आप UPI भीम UPI के थ्रू करेंगे तो उसमें 10 रुपये कटेगा। तो हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं भीम UPI, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते पहले नंबर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमें यहाँ पे आएगा रिव्यू जर्नी डिटेल्स का ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन का टाइमिंग, ट्रेन का नाम क्या है, आश्रम मेल एक्सप्रेस लिखा हुआ है, टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, ये यहाँ पे दिखेगा इस साइड लेफ्ट साइड। उसके बाद राइट साइड ऊपर में दिखेगा, यहाँ पे आप कितनी तारीख को पहुँचेंगे, किस टाइम पहुँचेंगे, ये सारी चीज़ें दिखेगा, और अवेलेबल कितना सीट अभी, वो सारी चीज़ें भी दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे नाम दिख जाएगा, एज दिख जाएगा, मेल फीमेल ये सारी चीज़ें दिख जाएगा, लोअर बर्थ जूस क्या वो भी दिख जा रहा है, LB दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें कैप्चा डालने का ऑप्शन है, यहाँ पे कैप्चा जैसे डालेंगे TETK, ठीक है, ये जैसे ही हम डालेंगे उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आएगा। जैसे प्रोसीड टू पे हम करेंगे, जैसे एरर हो गया, ये कैप्चा गलत डला गया लग रहा, देखिए VE उसके बाद LM ये डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे लेगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन है पेमेंट करने का, मल्टी ऑप्शन, यहाँ पे आप पेमेंट पेटीएम, फ़ोनपे, डायरेक्टली फ़ोनपे चूज़ करेंगे डायरेक्ट फ़ोनपे में आप घुस जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम UPI के थ्रू करेंगे तो यहाँ पे भीम UPI का ऑप्शन आएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। नीचे देखें आप राइट साइड यहाँ पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पे के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें UPI ID डालने का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे फिर UPI लिखा हुआ आएगा, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके UPI ID है वो डालना है, डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर UPI ID हम डाल ले रहे हैं, जैसे ये है @YBL। उसके बाद यहाँ वेरीफाई PUVPA का ऑप्शन आएगा, यहाँ ग्रीन हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पे के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। ठीक है, सिंपली आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा या फिर डायरेक्टली आप फोन पे पे या फिर गूगल पे का जो भी UPI आप चूज़ किए हुए रहेंगे वहाँ पे देखिए मैसेज आ गया ऊपर। तो इस टाइप का डायरेक्टली आप मैसेज के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मिनिमाइज़ करके आप गूगल पे फ़ोन पे में जा करके जहाँ की UPI डाले हैं वहाँ से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद फिर से आप उसको मिनिमाइज़ करके इस पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपका टिकट बन चुकी होगी। बनने के बाद किस तरह से टिकट दिखेगी वो हम डिटेल्स अभी बताने वाले आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये बुक नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी टिकट हम बुक कर चुके हैं। यहाँ पे आपको बताने के सिर्फ हमने डिटेल डाला था, यहाँ पे देखिए हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद ट्रेन के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए माई बुकिंग टिकट यहाँ पर दिखा हुआ दिख रहा होगा। देखिए काफ़ी टिकट बुक है यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये न्यू जा दिया हुआ है पूर्वा एक्सप्रेस में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, कई टिकट बुक है। उसके बाद आप चाहें, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि पहले टिकट बनाने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे हम टिकट कैंसिल कर ले। ठीक है, तो कैंसिल करने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, वो भी तरीका हम बताने वाले हैं अभी आपको साथ साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए ये टिकट है, ठीक है, इसको ओपन करना है आपको।
ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट कॉर्नर पे 3 डॉट लिखा हुआ, इस पर देख क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल टिकट के ऑप्शन पे आएगा, ठीक है, ऑप्शन दिखाई देगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, चाहे तो दोनों टिकट एक साथ कैंसिल कर सकते हैं, या फिर एक कैंसिल करना था चाहे तो एक कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जो कैंसिल लिखा हुआ आ रहा है, इसमें जैसे ही आप कैंसिल करेंगे आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इसके फायर लिखा हुआ 832 रुपया देख रहे हैं, तो आपको कितना रिफंड मिलेगा वो सारी चीज़ें हम आपको साथ साथ बताने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली टिकट है, ये टिकट एक कैंसिल हुई, ठीक है। इसका किराया था 381 रुपया, ठीक है, 81 रुपया 80 पैसा, मान के चलिए 82 रुपया, 382 रुपया है इसका किराया। अब कैंसिल कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिला वो कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखें, चार ऑप्शन है, एक होम है, एक माई अकाउंट है, एक माई ट्रांजेक्शन। माई ट्रांजेक्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाया जाएगा तीसरे नंबर पे, तीसरे लाइन पे कैंसिल टिकट्स का ऑप्शन दिया दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हमें आप चेक कर सकते हैं हम कितना हमारा कटा है। 380 रुपये दिख रहा था, लेकिन हमें वापस कितना मिलेगा, रिफंड कितना मिलेगा वो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जन शता